In Mumbai, August 23, in an exclusive interview with media, actor Abhishek Banerjee narrates the story behind getting the role of Jana in the movie 3-2, directed by Amar Kaushik. He said that Amar Kaushik compared his performance in the movie Ajji to legendary actor of Bollywood Amarish Puri. In an exclusive interview with media, actor Abhishek Banerjee narrates the story behind getting the role of Jitendra Pratap Singh in the movie Veda, directed by Nikhil Advani. He said that he asked for him for a role twice, then Nikhil Advani called him to his office and offered the role. Three Amar Kaushik ji ne direct ki hai aur mujhe lagta hai ki is waqt ke sabse visionary makers mein se ek hai. Wo mere bahut purane mitra hain aur jab wo associate director hua karte the Novankar jaise ka Ghan Chakkar, तब मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता और उन्होंने मेरी कला को तब से देखा और तब से मुझे पसंद करते थे. और गो गोवा गॉन में जब वो एसोसिएट डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटा सा सीन करवाया. नो वन किल जैसिका में सेकेंड यूनिट डायरेक्टर वो थे और मैं एक पिक पॉकेट मार का रोल मैंने किया था, उसमें उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था. तो पहला जो एक्टर था जो उन्होंने जिंदगी में डायरेक्ट किया था वो मैं. तो इतना पुराना और गहरा रिश्ता है हमारा. फिर मैंने उनकी फिल्म देखी अबा, और वो जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार ये बड़े संजीदा डायरेक्टर हैं, ये गोविंदा के फिल्मों पे और गानों पे नाचते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं, पर फिल्म ऐसी बनाई जो बर्लिन में जीत के आ गई. तो मैंने उनको बोला कि यार जब भी आप फिल्म बनाओगे मेरे लिए कुछ सोचना, बस इतनी बात बोली मैं. क्योंकि मैं बाकी बड़े डायरेक्टर्स को कभी ऐसे अप्रोच कर नहीं पाता था, मुझे बड़ी शर्म भी आती थी और मुझे लगता था कि यार कहीं उनको ये ना लगे कि ये कास्टिंग वाला कहाँ से एक्टिंग करना, जबकि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके मैं आया. खैर, जो अमर भाई ने अज्जी बोले कि मेरी फिल्म थी देवश मखीजा ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म में मैंने एक विलन का रोल किया, बहुत ही डार्क और इंडी फिल्म थी. वो देख के उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तुम्हें देख के अमरीश पुरी जी की याद आ गई. वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर. एक यंग लड़के के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होना ना बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. और तब जब स्त्री बननी शुरू हुई तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा कि आप फिल्म बना रहे हो, मैं आपको कहा था मैंने कि आपको देना है कुछ रोल देना है. तो वेदा की तो बात यह है कि निखिल अडवाणी जी के साथ मैं बहुत सालों से काम करना चाहता था और मैं उनको कुछ इवेंट्स पे मिला भी था. तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको एक दिन बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है काम के सिलसिले में, कभी बुला लीजिए ऑफिस. उन्होंने बोला हाँ बुला लूँगा. क्यों बुलाए? फिर मैंने कहीं और मिल गया, वापस किसी दूसरे एक्टर्स के साथ बैठे थे, मैंने वहाँ भी बोला. तो उनको शायद कहीं ना कहीं मैं याद रह गया और उन्होंने मुझे फिर बुलाया. एक दिन संडे का दिन था, उनके ऑफिस में कोई नहीं और सिर्फ वो बैठे हुए थे. मुझे तुरंत लगा कि ये मेरे जैसे, कि मैं भी ऐसा हूँ कि मैं घर पे नहीं बैठा, मुझे हमेशा कुछ काम करने के लिए हमेशा मेरा मन रहता है. तो मैं उन्होंने कॉफ़ी बना के पिलाई और उन्होंने वेदा की कहानी मुझे सुनाई और मुझे लगा कि यार ये फिल्म मुझे करनी ही करनी है. क्योंकि आप हम बचपन से ना एक्चुअली जो कहते हैं ना कि एक क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड सिनेमा जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली जो है एक्शन डायलॉगबाजी उस तरह का काम हर एक्टर को करना, तो मुझे लगा यार ये मैं करता हूँ. और ये मेरे लिए चैलेंज भी था क्योंकि जॉन अब्राहम जैसे बड़े एक्शन स्टार के साथ जब आप स्क्रीन पे खड़े हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मतलब आप दर्शकों को निराश ना करें, कहीं उनको ये ना लगे कि यार विलन ठंडा पड़ गया, यार ढीला पड़ गया. तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक बड़ी बहुत बड़ी सीख भी.